हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, इतना सारा सब्जी वगैरह अभी मैं लेके बैठी हूँ। तो ये सब्जी अभी मैं रख देती हूँ क्योंकि आज ये आए थे तो सुबह सुबह ही आ गए थे और आके और गए थे मार्केट, और मार्केट से बहुत सारा मतलब एक थैला सब्जी जो है लेके आए थे। तो ये देखिए, मतलब मैं यहाँ से ना, जैसे कि हम लोग के यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैं सब्जी लाती हूँ, जैसे कि आज बनाना रहता है तो वही आधा आधा किलो एक पाव, इस तरीके से मैं सब्जी लाती हूँ। और ये जब भी आते हैं ना तो बड़ा वाला मार्केट से सस्ता भी मिलता है और सारा सब्जी जो है ले आते हैं एक थैला। तो यहाँ पे ये देखिए, इतने सारे सब्जी अभी लेके आए हैं। तो इसमें से सारा सब्जी जो है आधा आधा मैं निकाल देती हूँ और आधा मैं यहाँ पे फ्रिज में रख देती हूँ, और आधा जो है अभी हम लोग घर जाएंगे तो घर के लिए ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी सब्जी वगैरह थोड़ा सा दिक्कत होता है। गाँव में बस मार्केट लगता है, हफ्ते में एक ही बार लगता है। तो वहाँ के लिए अभी ये देखिए, आधा सब्जी करीब जितना भी सब्जी था उसमें से आधा आधा मैंने रख लिया, आधा आधा थैला में डाल दिया है। अभी जाऊंगी तो सासू माँ को अभी ले दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, सारे सब्जी जो है थैले में डाल देती हूँ, और इतने सारे जो अभी ये पन्नी देख रहे हो ना, ये पन्नी जो है अभी मैं रख देती हूँ क्योंकि ये कचरा वगैरह भरने के लिए काम आता है। तो इन सबको अभी सारा को रख देती हूँ, और अभी मैं खाना भी बना रही थी फटाफट, क्योंकि खाना वगैरह बना के और खा के फिर हम लोग अभी जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, सब्जी डाल दिया थैले में, और ये अंगूर था तो ये अंगूर को मैं धो दी हूँ अच्छी तरीके से। तो बच्चे अभी खाएंगे फ्रिज में, मतलब एक दो करके खाते रहते हैं जब भी उनका मन करता है। तो इसको मैं अभी मैं धो के रख देती हूँ। और ये सब्जी भी मैंने कट करके रखा है, ये आलू बैंगन और ये परवल भी है, तो परवल का मैं भुजिया बनाऊंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखिए, थोड़ी देर बाद का क्लिप है ये। तो अभी हम लोग घर जा रहे थे और यहाँ पे ना एक आम का जो है बगान था, तो इसमें पेड़ों में जो है आम लगे हुए थे, और अभी आम तो लगे हैं पर अभी उतना मतलब बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं पेड़ों के जो आम होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे थे घर। तो ये देखिए, ये रास्ते का थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा ये व्यू अभी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग जो है घर आ गए हैं, अपने फार्म पे आ गए हैं, और थोड़ी देर पहले ही आए थे। तो आने के बाद जो है कुछ वीडियो वगैरह मैं शूट नहीं की, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो तो ये बर्ड्स जो है आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हो इसमें है और उधर वाला में है और इसमें है, ये देखिए। तो चलिए अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, और इसमें ना अभी ये अभी भूसी जो है ना, ये अलट पलट करना पड़ा है क्योंकि भीग जाते हैं ये मुर्गी के, ये बर्ड्स है ना टॉयलेट वगैरह करते हैं ना तो भीग जाते हैं। तो इसको अभी अलट पलट कर दे रहे हैं, सुबह शाम करना पड़ता है। और यहाँ पे ये देखिए, दवाई दे रहे हैं ये, मतलब दवाई दो तीन बार जो है दवाई देना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस पर। मतलब सुबह शाम पानी चेंज करना पड़ता है, दवाई कौन कौन सा देना पड़ता है तो वो देना पड़ता है। तो मैं अभी आ गई हूँ देखने के लिए, और ये ना करीब जो है 6-7 दिन हो गए हैं, 7 दिन पहले आए हैं। तो अभी इनको टाइम लगेगा, करीब और 1 महीना अभी टाइम लगेगा बड़े होने में। करीब मतलब 2 केजी, लगभग 1.5 केजी, 2 केजी इस तरीके का जो है इनका वेट होगा। तो ये सारे जो डिब्बे हैं ये सारे खाली डिब्बे हैं, और यहाँ पे ये देखिए, ये सारे अभी धुले हैं धो के। तो ये दाना वाला है और ये भी दाना वाला, उसमें पानी रहेगा। इसमें भी सेम है, देखिए इसमें दाना है इसमें पानी है। फ्रेंड्स, अभी जो है रात हो गया है, अभी आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक वर्ड ना पानी नहीं पी पा रही है, तो मैं इसको पानी पिला रही हूँ। बिल्कुल भी चल भी नहीं पा रही है ये, और बहुत सारे बर्ड्स ना
मर गए हैं, तो ये भी शायद मरने वाली है। तो यहाँ पे अभी ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे अभी सासू माँ जो है ये उफले थाप रहे थे। उफले तो इसको बहुत जगह ना उफले बोला जाता है, कंडे बोला जाता है, गोइठा भी बोला जाता है, तो हम लोग ना इसको गोइठा बोलते हैं। तो यहाँ पे सासू माँ जो है थाप रही थी और मैं भी अभी आ गई उनके हेल्प कराने। तो ये जो गोबर है ना, ये हम लोग का गाय है, दो तीन गाय है और उसी का जो है ये गोबर निकलता है, तो इनको ना थाप देते हैं और इस तरीके का गोइठा जो है उफले बना देते हैं, क्योंकि ये ना बहुत अच्छी तरीके से जलते हैं, खाना खाना बन जाता है इससे। गोबर अच्छी है, ये इस गोबर का क्या करेंगे, गोइठा का क्या करेंगे, भात रांधेंगे, खाना बनाएंगे। अभी तक टन तो चार ही फीट है। तो मैं पहले गांव में रहती थी ना, तो इस तरीके से गोइठे में खाना मैं बनाती थी। अभी भी मैं गांव में, जैसे हम लोग का नीचे वाला घर में सासू माँ बनाती है, तो मतलब इस तरीके से उफले से लकड़ी से खाना ही बनाती है। गैस पे ना बहुत कम जो है सासू माँ खाना बनाती है, और मतलब मैं जाती हूँ तो मैं भी बनाती हूँ और गैस पे भी बनाती हूँ, तो इस तरीके का होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये जलता है। तो अभी यहाँ पे उफले जो है ये बन गए हैं सारे, और यहाँ पे ये देखिए हमारा फार्म है, और तो यहीं पे ससुर जी भी है, सासू माँ भी है, सभी लोग हैं। तो अभी उफले जो है मैंने थाप दिए हैं, और अभी ना मैं दातुन से मुँह धो रही हूँ। ये देखिए दातुन है, नीम का दातुन, और ये देखिए यहाँ पे क्या लेके आए हैं, कटहल, कटहल ताजा। तो यहाँ पे ये देखिए ताज़ा ताज़ा जो है कटहल है, अभी दूध निकले, सब्जी बनेगा इसका, उसमें क्या है, आलू कच्चा गरम। तो यहाँ पे अभी ना, यहाँ पे देखिए जहाँ नल है ना हमारा, यहाँ पे जो एक सांप घुसा हुआ है, देखिए हटो तुम हटो, तो यहाँ से निकाल के उधर अभी ले जाएंगे। ईंट में ना घुसा हुआ है सांप, तो फार्म में, तो अगर सांप जो है फार्म में अगर चला जाएगा ना फार्म के अंदर, तो जो बर्ड्स है उनको काट भी सकता है ये सांप। तो अभी यहाँ से निकाल के उधर ले जाएंगे, ईंट में घुसा हुआ है यहाँ पे देखिए। डर लगे ना, सारे सारे डर डर ना, इन्हें क्यों बोले, डर नहीं बोले, चलो चलो मोटा हो। झंडा ही रहा ना, इधर 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 कौन है इधर। तो अभी यहाँ पे जो है सारे सांप, तो यहाँ पे अभी सांप जो है घुस गया है, मैं इधर से देख रही हूँ इधर से अंदर ना आ जाए। वहीं पे अंदर घुस गया। तो फ्रेंड्स खड़ी सांप है क्या, ना ना भाई भिड़का था, मारो ना वही अकेले जाओ। बाबू इधर आ रहे, तुम लोग रे भागो भागो भागो, तो अभी सांप को जो है ना उधर बहुत दूर तक, अभी मतलब वो अपने आप चला गया, अभी छोड़ दिए, और मतलब सही टाइम, मतलब देख मैं ही देखी थी, नहीं तो अंदर आ सकता था। और ये देखिए हमारे यहाँ पे बर्ड्स है, आज ना इन सबको जो है वैक्सीन लगेगा, इनका जो एक वैक्सीन होता है, दो तीन वैक्सीन लगता है, तो वो लगेगा आज, एक तो लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना इन सारे ये बर्ड्स को जो है वैक्सीन दिया जा रहा है। तो ये वैक्सीन कैसे दे रहे हैं, जैसे कि एक दवाई होता है वो ड्रॉप उनके आँखों में लगाना होता है, तो एक एक करके पकड़ पकड़ के जो है सारे में मतलब इस तरीके का वैक्सीन होता है। तो ये अभी ये सब कर रहे हैं, मैं भी कर रही थी कुछ कुछ, और मतलब पास कराते जा रहे थे हम लोग, और दो तीन जने जो है यहाँ पर वैक्सीन इनका करते जा रहे थे। और जैसे कि लगभग 2,500 है ये बर्ड्स, तो थोड़ा सा टाइम जो है लग गया था।